हेलो वेलकम नमस्ते। आज हम बनाएंगे शाही मशरूम। तो उसके लिए ये हमने मशरूम कट कर लिया है, वॉश करके आप उसको कट कर लें लंबे लंबे, और मैरिनेट किया है। मैरिनेट के लिए हमको चाहिए 2 कप जितना योगर्ट। आप मशरूम की क्वांटिटी के हिसाब से योगर्ट आप कम ज़्यादा रख सकते हैं। 2 कटोरी योगर्ट, उसके अंदर हमने गरम मसाला डाला है, रेड चिली पाउडर, ग्रीन चिली काट के डाली है, गार्लिक जिंजर पेस्ट, कसूरी मेथी ड्राई, फ्रेश मेथी है तो वो फ्रेश लीव्स भी आप कट करके डाल सकते हैं चॉप करके, अदरवाइज़ आप कसूरी मेथी ड्राई पाउडर यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर ये सब, थोड़ा सा नमक, हल्दी, रेड चिली पाउडर, और अच्छी तरह से मिक्स योगर्ट में कर ले पेस्ट बना के, और मशरूम उसके अंदर मैरिनेट कर ले और उसको साइड में रख ले। ये रख देखिए, ऐसे कट करके थोड़ी देर रखना है। और दूसरी ओर हमने एक कढ़ाई में थोड़ा सा बटर और ऑयल दोनों मिक्स किया है, हाफ हाफ लिया है। उसके अंदर ड्राई सूखी हुई रेड मिर्च डाली है और ऑनियन चॉप्ड करके उसको अब हम गुलाबी गोल्डन ब्राउन पकाएंगे। थोड़ा सा हमने कैशियो पाउडर, ग्रेट कोकोनट पाउडर और थोड़ा सा तिल लिया है, सेसमी सीड्स। अगर सेसमी सीड्स नहीं है तो ऑप्शनल, आप उसके ऑप्शनल में आप पपी सीड्स डाल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इंग्रेडिएंट्स हमने एक साइड पे रखा है। उसके अंदर थोड़ा सा ऑनियन हो जाए, उसके अंदर ये हमने ड्राई कैशियो कोकोनट पाउडर मिक्स किया है, उसको हम थोड़ी देर सौते करेंगे। और उसके बाद हमने एक ब्लेंडर में टमाटो प्यूरी बना के रखा है, वो साइड में रखें। ये पक जाने के बाद उसके अंदर टमाटो प्यूरी भी डालेंगे और अच्छी तरह उसको भुनेंगे। नमक हमने मशरूम में डाला है तो उस हिसाब से आप ऑनियन में उतना ही थोड़ा सा कम डालें, ऑनियन के हिस्से का, ज़्यादा नहीं। उसके अंदर थोड़ा सा हमने गार्लिक और जिंजर पेस्ट हम थोड़ा सा डालेंगे। मशरूम में तो थोड़ा हमने ऐड किया है, उसमें भी थोड़ा सा ऑनियन के जितना डालेंगे, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। टमाटो प्यूरी हमने डाल दिया है अंदर, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक हमारा ऑयल बाहर निकलता है तब तक इसको अच्छी तरह से भूनें। ये देख रहे हैं हमारा ऑयल छूट रहा है, तो उसके अंदर ये हमने मशरूम मैरिनेट करके जो रखा था वो हम अंदर डालेंगे और उसको अच्छी तरह से मिक्स करके उसको पकाने के लिए रखेंगे। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, और थोड़ा सा आप मसाला टेस्ट कर ले, कोई भी चीज़ आपको कम लगती है तो आप ऐड कर सकते हैं। और बाद में उसको ढक के 5 मिनट पकने दें, उसके बाद आप फिर से इसको हिलाइए। और पानी बिल्कुल डालना नहीं है क्योंकि मशरूम में पानी निकलता है, सो पानी हमने डाला नहीं है। ये हमारा हो गया है, तो आप देख सकते हैं पानी सारा निकल गया है। पानी थोड़ा आपको ज़्यादा लगता है तो ऊपर से लीड खोल के आप थोड़ी सी गैस की आँच बढ़ा दें और उसको खुले में ही पकने दें, तो पानी जल्दी बंद हो जाएगा, सो थोड़ा सा थिक ग्रेवी हो जाएगी, ये देखिए। और उसके ऊपर हम ग्रीन स्प्रिंग ऑनियन हमने कट करके रखी है, तो जब आप गैस बंद करें उससे पहले उसके ऊपर स्प्रिंग ऑनियन थोड़ा सा कट के डाल दें और गर्मा गर्म सर्व करें। करियंदर भी आप डाल सकते हैं फ्रेश। ये देखिए हमारा सब्जी हो गई है रेडी, तो आप उसको नान, चपाती, राइस के साथ सर्व करें, गर्मा गर्म बहुत ही बढ़िया लगती है। ज़रूर आप बनाइए। थैंक यू वेरी मच।